आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24 और मैं हूं नेहा आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाते हुए आज बजरंग इंटर कॉलेज बांदा से तिरंगा जन जागरण यात्रा को जिला अधिकारी अनुराग पटेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पूरा मामला बांदा शहर के बजरंग इंटर कॉलेज में सुबह से ही दूर दराज से छात्रों के आने का सिलसिला शुरू हुआ। सुबह 9 बजे सभी 3000 छात्रों को विद्यालय के कर्मचारियों द्वारा तिरंगा झंडा वितरण कर विद्यालय परिसर में कतार में बैठाया गया। त्रिपाठी मैडम ने देशभक्ति का गीत गाकर सभी छात्राओं में जोश भर दिया। इसी क्रम में विद्यालय के प्राचार्य मेजर मिथिलेश पांडे सर ने छात्राओं को बताया कि शासन की मंशा के अनुसार आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में तिरंगा यात्रा के माध्यम से घर घर तक तिरंगा झंडा फहरा देश की शान, देश का मान, तिरंगे का सम्मान बढ़ाने के लिए जनता को प्रेरित करना है। आज जन जन जागरण यात्रा का उद्देश्य हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा लगाकर तिरंगे की शान बढ़ाना है। यात्रा को जिलाधिकारी अनुराग पटेल ने खुद बजरंग इंटर कॉलेज पहुंचकर राष्ट्रगान के बाद तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर नगर भ्रमण के लिए रवाना किया। बांदा से पूरन राय की रिपोर्ट। किस तरीके का कार्यक्रम हो रहा है? इस वर्ष आज़ादी का 75वां वर्ष है। 75वें वर्ष पर पूरे देश पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस वर्ष भारत सरकार ने एक नया कार्यक्रम दिया है, हर घर तिरंगा। 11 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा लहराया जाएगा, फहराया जाएगा। हर घर तिरंगा जागरूकता यात्रा आज आदर्श बजरंग इंटर कॉलेज बांदा द्वारा विशाल पदयात्रा निकाली जा रही है, जिसमें लगभग 3000 छात्र भाग ले रहे हैं। अभी जिलाधिकारी महोदय इसका उद्घाटन करेंगे। हमारा इस पदयात्रा का उद्देश्य जनमानस को जागरूक करने का है कि सारा जनमानस जागरूक हो और झंडे का सम्मान हो और हर घर में तिरंगा लगाया जाए। अभी इसके बाद हम टुकड़ियों में छात्रों की टुकड़ी बना करके। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए चैलेंज न्यूज 24 के साथ। नमस्कार।